तो यहां पर झांसी में बेहद ही अजब गजब मामला सामने आया। यहां बाइक चोरों के कारनामे को जो कोई भी सुने उसका भी सिर घूम जाए। ये आरोपी पसंदीदा बाइक की चोरी किया करते थे। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बाइक चोरी की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन झांसी में चोरों के एक गैंग के कारनामे से पुलिस भी चकरा गई, क्योंकि पुलिस ने अजब गजब के चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 3 युवक को गिरफ्तार किया। चोरी करने का इनका अंदाज ऐसा है कि जिसे सुनने के बाद कानों को भी यकीन ना हो। आरोपियों के मुताबिक इनको फोन पर पसंदीदा बाइक चोरी करने की कॉल आती थी और उसके बाद ये रेकी करके डिमांड वाली बाइक को उठा लेते थे। आप खुद ही सुनिए इस गैंग का सदस्य क्या कह रहा है। गाड़ी मंगवाई जाती थी। कौन मोटर गाड़ी मंगवाता था? जैसे ही हमारे पास फोन आया कि गाड़ी ले आओ, तो हम गाड़ी लेने चले जाते थे। गाड़ी चोरी कैसे करते थे तुम? गाड़ी चोरी हम ऐसे करते थे साहब, चाबी मिल जाती थी हमें तो वही से गाड़ी उठा ली थी यहाँ से। अभी तक कितनी गाड़ी उठा चुके तुम लोग? जी 4। नहीं, इससे पहले कितने पैसे गाड़ी थे? 2-3 हज़ार रुपये मिलते थे, 1,000 रुपये भी सही से नहीं मिलते थे। जैसा कि आरोपी बता रहा है कि इसके लिए उनको मामूली रकम मिलती थी, लेकिन वो असली बाइक के मालिक को चूना लगा जाते थे। नवाबाद थाना क्षेत्र के मंडी पुलिस चौकी ने तीनों शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस से बचने के लिए इन बाइकों पर स्टिकर लगाए जाते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थानाध्यक्ष नवाबाद की पुलिस टीम के द्वारा आज 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इन अपराधियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस गैंग में और लोग तो शामिल नहीं है। झांसी से न्यूज 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। और बरेली में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बरेली के फरीदपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक दुकान के बाहर 2 युवक आते हैं। दुकान में उस वक्त कोई नहीं होता। दोनों बड़ी ही मुश्तैदी से इधर उधर झांकते हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। एक युवक ने गले में गमछा डाला तो दूसरे ने सिर पर टोपी पहनी हुई है। टोपी वाला युवक पहले दुकान के काउंटर से नीचे अपना हाथ फेरता है और गल्ला ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गल्ला नहीं मिलता। वो दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके बाद गमछे वाला युवक कोशिश करता है, वो भी काउंटर से नीचे गल्ले पर हाथ फेरता है। पहली बार तो उसके हाथ भी कुछ नहीं आता, लेकिन बाद में दोनों साथ में प्रयास करते हैं। इतने में युवक गल्ले से पैसे निकाल लेता है और पैसे निकालने के बाद दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। फरीदपुर कोतवाली क्षेत्र में एक स्टेशनरी की ये दुकान है, जहां दिन दहाड़े 2 युवकों ने चोरी को अंजाम दिया। जब दुकान के मालिक ने अपना गल्ला देखा तो उसके होश उड़ गए। उसमें रखा कैश गायब था। बाद में सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें इन दोनों युवकों की करतूत सामने आ गई। दुकान मालिक ने वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। बाद में पुलिस को चोरी की सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करा लिया। बताया जा रहा है कि दुकानदार दुकान के अंदर सामान लेने गया था। इस दौरान ग्राहक बनकर पहुंचे चोरों ने दुकान के गल्ले पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस घटना के बाद दूसरे दुकानदारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। बरेली से न्यूज 18 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कोहरे का घना पहरा है, जिससे रोज हादसे सामने आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और दूसरी जगहों पर कोहरे की वजह से दुर्घटना हो गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है, लेकिन सड़कों पर कोहरा जानलेवा बन गया है।
सर्दी जहां ठिठुरन बढ़ा रही है तो वहीं सड़कों पर सफर करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि रात के वक्त और सुबह सुबह सड़क हाईवे पर घना कोहरा रहता है, जिसकी वजह से सफर जानलेवा होता जाता है। यूपी में कोहरे की वजह से कई जगहों से हादसे सामने आए हैं। ग्रेटर नोएडा में कोहरा जान का दुश्मन बन गया। यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा सामने आया है। घने कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी ना के बराबर थी, सड़क पर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। तभी सवारियों से भरी बस ने कैंटर में टक्कर मार दी। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया, जिसके बाद तो बस में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। हादसा जेवर थाना इलाके में हुआ। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस हादसे का शिकार हो गई। बस सवारियों को लेकर जयपुर से वाराणसी जा रही थी। घने कोहरे की वजह से बस आगे चल रही गाड़ी से टकरा गई। कहा जा रहा है कि कोहरे के चलते ड्राइवर को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हादसे में बस के ड्राइवर की मौत हो गई, 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कोहरे की वजह से सड़क पर सफर करना जानलेवा बन गया है। कोहरा सड़क हाईवे पर मुसीबत खड़ी कर रहा है, तो वहीं उसने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। कानपुर में एक के बाद एक कई ट्रेनों पर विराम लग गया। इसमें वंदे भारत, स्वर्ण शताब्दी, कानपुर दिल्ली शताब्दी, राजधानी दुरंतो, श्रम शक्ति समेत 90 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा है। करीब 2500 यात्रियों ने अपना टिकट कैंसिल कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।